हेलो माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 15 इन इंग्लिश ग्रामर। सो एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर बुक, चैप्टर 15, पेज नंबर 64, पोजिशन वर्ड्स। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी स्टूडेंट, बिकॉज एग्जाम इज नियर। आपके मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सो प्लीज बी सीरियस, टेक आउट योर बुक, लेट स्टार्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट, पोजिशन वर्ड्स, पोजिशन से ही आपको पता चल जाता है। पोजिशन यानी जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, यानी उसकी पोजिशन क्या है, जगह क्या है, आप क्लास में कौन से प्लेस पर हैं। तो पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? पोजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, प्लेस बताते हैं, और क्या बताते हैं, पोजिशन बताते हैं। जैसे देखिए पेन, नाउ पेन कहाँ पर है, वेयर इज द पेन, पेन कहाँ पर है, पेन इज ऑन द बुक, किस पर है, बुक के ऊपर है। अब मेरी बुक किस पर है, बुक भी तो है कहीं पर, वेयर इज माई बुक, बुक इज ऑन द टेबल, यानी किसके ऊपर है मेरी बुक, टेबल पर है। तो जो इन है, ओन है, वो क्या है, पोजिशन वर्ड्स हैं। जो आपको, जैसे मैं बैठी हूँ, किस पर बैठी हूँ, चेयर पर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो ओन क्या है, पोजिशन वर्ड्स हैं, यानी वो वर्ड्स जो आपको बताते हैं, प्लेस बताते हैं, पोजिशन बताते हैं। किसका प्लेस और पोजिशन बताते हैं, पर्सन का, एनिमल का, और किसी थिंग का, वो क्या हो कहलाते हैं, पोजिशन वर्ड्स। आपने देखे POSITION, पोजिशन वर्ड्स, यानी जगह बताने वाले शब्द, पोजिशन बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं, जो हमें क्या बताते हैं कि आपकी जगह क्या है। जैसे फर्स्ट पोजिशन, सेकंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, आप क्लास में आप आती है ना, फर्स्ट पोजिशन पे कौन आया, यानी आपका क्लास में क्या प्लेस है, कौन सी जगह है, पोजिशन वो होती है, स्थिति क्या है। तो क्या होता है, जैसे अभी ये कैट है, मैं पूछूँ वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ है, तो कैट कहाँ है, अंडर द चेयर। यहाँ पर कैट कहाँ है, ऑन द चेयर, यहाँ पर तो ऊपर है, और यहाँ पर क्या है, चेयर के नीचे है। तो कैट की पोजिशन कौन बता रहा है, अंडर ओन। तो ये क्या है, पोजिशन वर्ड्स। इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट इन, ओन, एट। आप अभी फर्स्ट क्लास में सिर्फ इन, ओन, एट, सिर्फ इन तीन पोजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज पोजिशन वर्ड्स और भी होते हैं, जैसे अंडर, बिहाइंड, अबो, और भी पोजिशन वर्ड्स हैं जो आप सेकेंड क्लास में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट में सिर्फ मैं आज आपको तीन पोजिशन वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी। क्लियर, पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, जो हमें किसी का प्लेस बताते हैं, जगह बताते हैं। आप देखिए आई एन इन, इन का अगर मैं हिंदी में मीनिंग पूछूँ तो इन का मीनिंग क्या होता है, मे। जैसे यहाँ ये क्या है, ग्लास, ठीक है, ग्लास, ग्लास में क्या है, पानी, तो वाटर इज इन द ग्लास, ग्लास के अंदर क्या है, पानी है। इन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, ठीक है। जैसे मैंने अपने ये लिया पेन, और पेन को मैंने बैग के अंदर डाल दिया, तो मेरा पेन कहाँ होगा, इन द बैग, इन द बैग, समझ में आया। इन ओन, ओन का मीन्स क्या होता है, देखिए इनका मीन होता है मे, यानी अंदर, क्या होता है स्टूडेंट, अंदर, ठीक है। जैसे मैं अपने पेन को बैग के अंदर डाल दूँ, माँ जैसे आपकी पेंसिल होती है, आप पेंसिल किस में रखते हैं, अपने पेंसिल बॉक्स में, तो माय पेंसिल इज इन द पेंसिल बॉक्स, उसके अंदर रखते हैं। जैसे आप अपनी बुक्स कहाँ पर रखते हैं, बैग के अंदर, माय बुक्स इज इन, माय बुक्स आर इन द बैग, मेरी बुक्स जो हैं वो बैग में हैं। ये क्या होता है, इन, यानी कोई चीज़ अंदर होती है। ओन, ओन मीन्स क्या होता है, पर, यानी ऊपर, जब हम किसी के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, जैसे मेरी अभी पेन रखा है, किसके ऊपर रखा है,
कॉपी के ऊपर रखा है, और मेरी कॉपी किसके ऊपर रखी है, मेरी बुक के ऊपर रखी है, और मेरी बुक किसके ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। तो ऑन मीन क्या हुआ, ऊपर। ऑन सिंपल वर्ड्स में समझ में आया आपको, इन। वैसे हम इन यूज़ करते हैं शोइंग लोकेशन, जब हम क्या लोग क्या करते हैं, लोकेशन को शो करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन। ऑन कहाँ पर यूज़ करते हैं, समथिंग इज कैप्ट, यानी जब कोई चीज़ रखी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन, वो सॉरी ऑन। तो आपको इन ऑन ऑन क्लियर हुआ, इन होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, जैसे द बुक्स आर इन द बॉक्स, बुक्स बॉक्स के अंदर हैं। दूसरा चीज़ देखिए, जैसे आप ये कहते हैं आई लिव इन मोदी नगर, मैं मोदी नगर में रहता हूँ, तो आपकी क्या शो कर रहा है, लोकेशन शो कर रहा है कि आई लिव इन मोदी नगर, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इन। ओन कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर रखी है, जैसे माई नोटबुक इज़ ऑन द डेस्क, या माई नोटबुक इज़ ऑन द डाइनिंग टेबल, द बाउल इज़ ऑन द डाइनिंग टेबल, ऊपर जैसे कोई चीज़ रखी हो। क्लियर बेटा, आप देखिए एट कहाँ पर यूज़ करते हैं, एट एटी, इसका मतलब टॉक अबाउट अ प्लेस और टाइम। जब हम बात करते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है, जब हम बात करते हैं प्लेस की, यानी किसी जगह की बात करते हैं, टाइम, जब हम किसकी बात करते हैं, टाइम की, जैसे टू ओ क्लॉक, सिक्स ओ क्लॉक, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट। जगह, जैसे मैंने बात की स्कूल की, पार्क की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट। क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, एट। क्लियर, इन कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, शोइंग लोकेशन शो करता है। ऑन का कब यूज़ करते हैं, वी यूज़ ऑन टू टॉक अबाउट द प्लेस वेयर समथिंग इज़ कैप्ट, ओके। एंड एट कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस और टाइम, जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं एंड प्लेस की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एटी, एट। क्लियर बेटा, ये था आपका कंसेप्ट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी है आपके ग्लास के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, द वॉटर इज इन द ग्लास, यानी ग्लास में पानी है। अब वही ग्लास आपने टेबल पर रख दिया, टेबल के ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे, द ग्लास इज ऑन द टेबल। मैं आपसे बोलूँ आई विल मीट यू एट द पार्क, मैं आपको कहाँ पर मिलूँगी, पार्क में मिलूँगी, या पार्क पर मिलूँगी। द लाइब्रेरी ओपन एट सिक्स ओ क्लॉक, किस टाइम ओपन होगी, सिक्स ओ क्लॉक, तो मैंने एट क्यों यूज़ किया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, यानी जब हम प्लेस की बात करते हैं एंड टाइम की बात करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एटी, एट। क्लियर नाउ, अब मैं बुक से आपको रीडिंग करा रही हूँ, ये सिर्फ मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ड्रॉ अ बॉल इन द बॉक्स, आपको बॉक्स दिया गया है, आपको इस बॉक्स में क्या करना है, बॉल ड्रॉ करना है। टिक द पिक्चर इन विच द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, आपको उस पिक्चर पर टिक करना है जहाँ पर जो कैट है वो चेयर पर बैठी है, चेयर के ऊपर बैठी है। दिस, इस पिक्चर में तो कैट कहाँ पर है, वेयर इज द कैट, अंडर द चेयर, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैट, कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो यू टेक इट, ओके। अब आप पिक्चर देखिए स्टूडेंट, ये आपको पढ़ने का नीड नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, कैट, कैट कहाँ पर है, ऑन द चेयर, यानी ये क्या बता रहा है, वेयर, वेयर द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। अब देखिए बोल, वेयर इज द बोल, बोल कहाँ पर है, बॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स में है। अब देखिए ये बॉय है, तो बॉय, वेयर इज द बॉय इज वेटिंग, जो बॉय है ये कहाँ पर वेट कर रहा है, कहाँ पर वेट कर रहा है, द बॉय इज वेटिंग एट द, कहाँ पर वेट कर रहा है, एट द पार्क, पार्क में वेट कर रहा है, रोड पे वेट कर रहा है, ये कहाँ पर वेट कर रहा है, तो वेयर द बॉय इज वेटिंग, यानी आपको किसका आंसर मिला, वेयर, किसका आंसर मिला, वेयर। हाउ डू वी से वेयर समथिंग इज, द वर्ड इन टेल अस वेयर द बॉल इज, यानी इन बताएगा कि बॉल कहाँ पर है, ओन बता रहा है वेयर द कैट इज सिटिंग, और एट बता रहा है कि वेयर द बॉय इज वेटिंग। इन ऑल पिक्चर द वर्ड्स इन, ऑन एंड एट हेल्प टू टेल अस द पोजिशन और प्लेस ऑफ नेमिंग
वर्ड, यानी इन, ऑन, एट, इन सेंटेंसेस में पोजिशन और प्लेस बता रहे हैं किसका, नेमिंग वर्ड्स का। अभी मैंने बताया पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स दैट टेल अस, सॉरी दैट हेल्प टू टेल अस द प्लेस और पोजिशन और अ पर्सन, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये आपको, इन्हें पोजिशन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस। क्लियर? देखिए फर्स्ट मैंने बता दिया है आपको इन, ऑन, एट कहाँ पर यूज़ करते हैं, बट सी देखिए वी यूज़ इन फॉर शोइंग लोकेशन। इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हम लोकेशन को शो करते हैं। एग्जांपल द बुक्स आर इन द बॉक्स, आई लिव इन चेन्नई। वी यूज़ ऑन टू टॉक अबाउट द प्लेस वेयर समथिंग इज कैप्ट। जैसे देखिए ये बाउल कहाँ पर रखा है, द बाउल इज ऑन द टेबल, यानी बाउल जो है मेज पर है। वी यूज़ एट टू टॉक अबाउट प्लेस और टाइम। अभी मैंने बताया आपको एट का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, जहाँ पर हम प्लेस और टाइम को बताते हैं, जैसे आई विल मीट यू एट द पार्क। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द करेक्ट पोजिशन वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स दी गई हैं, आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट पोजिशन वर्ड्स फिल करना है। ऋषभ इज स्लीपिंग डैश हिज बेड, ऋषभ इज स्लीपिंग इन हिज बेड, यानी वो अपने बिस्तर में सो रहा है। ना तो यहाँ पर हमें एट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना तो प्लेस की बात की और ना ही टाइम की बात की है। इसने हमें क्या बताया है, लोकेशन बताई है कि वो कहाँ पर सो रहा है। तो ऋषभ इज स्लीपिंग इन हिज बेड, अपने बिस्तर में सो रहा है। इज द क्लॉक इज हैंगिंग डैश द वॉल, यानी जो क्लॉक है वो कहाँ पर हैंग हो रही है। तो स्टूडेंट क्या आएगा, एट या ओन, ओन, ओन द वॉल। आप हिंदी कीजिए, जो क्लॉक है वो दीवार पर हैंग यानी टंगी हुई है, हैंग है, तो क्या आएगा स्टूडेंट, ओन। थर्ड द कैट इज स्लीपिंग द बास्केट, यानी जो कैट है वो किस में सो रही है, बास्केट में सो रही है, इन द बास्केट, यानी वो बास्केट के अंदर है। बास्केट के ऊपर तो सोएगी नहीं, किसके अंदर सोएगी, बास्केट में सोएगी, यानी बास्केट के अंदर सोएगी। तो वी यूज इन। मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, अ लैम्प इज डैश द टेबल। देखिए लैम्प कहाँ पर है, ऑन द टेबल, लैम्प मेज पर है। लैम्प किस पर है, मेज पर है। तो वी यूज ओन, बट वी यूज ओन मेरे बच्चा। एवरी स्टूडेंट प्लीज फिल योर बुक। देखिए मायरा इज सिटिंग हर डेस्क। अब देखिए मायरा कहाँ पर है, एट या ऑन, यहाँ पर इसका प्लेस बताया है कि मायरा कहाँ पर बैठी है, किस पर बैठी है वो, एट हर डेस्क, यानी अपने डेस्क पर बैठी है। ओके, एट हर डेस्क। देखिए द चिल्ड्रन आर थ्रोइंग स्टोन द पोंड, यानी बच्चे जो हैं देखिए क्या कर रहे हैं, पोंड में स्टोन को थ्रो कर रहे हैं। तो द चिल्ड्रन आर थ्रोइंग स्टोन इन द पोंड। क्लियर बेटा? क्लियर? आपको थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन स्टूडेंट इसमें हुआ होगा फिफ्थ में, ओके, लेकिन यहाँ पर एट आएगा, ओन नहीं आएगा, क्योंकि ये डेस्क पर नहीं बैठी है, एट हर डेस्क, इसका प्लेस बताया है वो कहाँ पर बैठी है। तो प्लेस के लिए मैंने अभी आपको बताया, तो क्या यूज करेंगे हम, एट। बी पार्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स विद द पोजिशन वर्ड्स एट, इन एंड ऑन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है एंड साइड में पिक्चर दी गई है, आपको क्या करना है बेटा, पिक्चर को देखते हुए पोजिशन वर्ड यूज करने हैं और अपने पैराग्राफ को बच्चा कंप्लीट करना है। क्लियर? आई नो कि आपका नया कंसेप्ट है बेटा, 2-3 डेज क्लासेज होंगी तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आई विल सेंड यू द होमवर्क ऑल्सो एंड यू डू योर वर्क योर सेल्फ। बहुत ईजी है, आप लोग पिक्चर को देख के पोजिशन वर्ड्स फिल कर लेंगे, इसलिए डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द क्लास। देखिए क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर है, टीचर बोर्ड पर लिख रही है, एंड बच्चों ने अपनी बुक्स को कहाँ पर रखा है स्टूडेंट, अपने टेबल पर रखा है। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या दिख रहा है, चार्ट भी हैंग है वॉल पर, है ना। देखो चार्ट, देखो कहाँ पर हैंग है, वॉल पर चार्ट हैं, बच्चों ने अपनी बुक रख रखी है,
और देखो एक बच्चा कहाँ पर खड़ा है, दरवाजे के पास एक बच्चा भी खड़ा है, ये सब आपको दिख रहा है। लेट्स द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द क्लास, तो क्या लिखेंगे, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो इन द क्लास। अ चार्ट इज हैंगिंग डैश द वॉल, यानी जो चार्ट है वो बोल पर सॉरी दीवार पर हैंग हो रहा है, वॉल। द टीचर इज राइटिंग डैश द बोर्ड, यानी जो टीचर है वो किस पर लिख रहा है, बोर्ड पर, बट वी यूज ओन, द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग फ्रॉम द बुक्स कैप्ट डैश देयर टेबल्स, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक कहाँ पर रख रखी है, टेबल्स पर, तो वी यूज ओन, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग फ्रॉम द बुक्स कैप्ट ऑन देयर टेबल्स। आ चाइल्ड इज स्टैंडिंग डैश द डोर, बच्चा कहाँ पर खड़ा है, डोर पर खड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, एट द डोर, एट द डोर। अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी बच्चा दरवाजे पर खड़ा हुआ है, दरवाजे के ऊपर थोड़ी ना खड़ा है कि मैं ऑन लिख दूंगी, वो दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है, तो क्या आएगा, एट द डोर। आप इसे इस तरह समझिएगा बच्चा, आप ऑन द डोर नहीं लिख सकते क्योंकि वो दरवाजे पर नहीं खड़ा है, एट द डोर दरवाजे पर खड़ा है, यानी दरवाजे के पास खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम, एट द डोर। क्लियर एंड स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, सी पार्ट आप अपने होमवर्क में करेंगे। प्लीज स्टूडेंट पॉजिटिवली कंप्लीट योर बुक वर्क, जो मैंने अभी आपको फिल कराया ये आप पूरा बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड आई विल सेंड यू द होमवर्क, 5 sentences मैं आपको बुक में कॉपी में भेजूंगी, वो आपको पोजिशन वर्ड्स फिल करने हैं। क्लियर बेटा, एंड एग्जाम इज नियर, सो एवरी स्टूडेंट लर्न द चैप्टर, आपको आई होप प्रीटी पीकॉक आप सब लर्न कर चुके होंगे, येस और नो। मैंने अभी टेस्ट नहीं लिया है स्टूडेंट, मैं दोनों चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट लूंगी, प्रीटी पीकॉक का भी एंड द ट्रैफिक पुलिस वुमेन चैप्टर नंबर 9। सो प्लीज स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9, जब भी आपका टेस्ट लूंगी मैं चैप्टर 8 और 9 का कंबाइंड टेस्ट लूंगी, क्योंकि 8 मैं आपको लर्न करा चुकी हूँ एंड 9 मैंने आज आपको लर्न करने के लिए दिया है। 9 में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स फिलअप्स लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है क्योंकि यू नो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको 1 word ही टिक करना है, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ओके बाय बाय बच्चा, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।